यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कर्नाटक विधानसभा के भाग्य का फैसला करने के लिए जारी है और मतदाता सुबह से ही अपने अपने घरों से वोट डालने के लिए निकल गए हैं। सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं। कर्नाटक से आ रही खबरों के बीच जगह जगह बूथों पर मतदाता लंबी कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को राज्य की 224 में से 222 सीटों पर मतदान जारी है और राज्य के 4.97 करोड़ मतदाता 2600 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत का बटन दबाने के लिए कतार में लगे हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने हसन जिले के हौले नरसिंहपुरा शहर के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि हमें सरकार बनाने की अपेक्षा है, हमने अच्छा काम किया है। और इसी बीच GDS के HD कुमार स्वामी ने जयनगर के श्री आदि चुनचानगिरी महासमस्थान मठ के निर्मला नंदा नाथ महास्वामी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और भाजपा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक के बेंगलुरु में रेडी जना संघा के कोर मंगला में अपना वोट डाला। भाजपा के बी श्रमालू ने अपना वोट देने से पहले गौ पूजन किया और वो बदामी से वर्तमान CM सिद्धारमैया के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है, मैं कर्नाटक के अपने भाई और बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि आज वो बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान करें। मैं खास तौर से युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि वो मतदान करें और लोकतंत्र के इस त्यौहार को अपनी भागीदारी से समृद्ध बनाएं। और आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव को काफ़ी अहम माना जा रहा है। अगर मतदाताओं ने 33 साल से चली आ रही सत्तारूढ़ दल को हटाने की परंपरा तोड़ी तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार वापसी करेगी। गौरतलब है कि 1985 में रामकृष्णन हेगड़े के नेतृत्व में जनता दल ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी और इसके बाद कोई भी पार्टी ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो पाई है।